खुश आमदीद बाला खातून। शुक्रिया। खुश आमदीद बाला खातून। अल्लाह आसानी करे। वालिदा। हाँ? अलाउद्दीन भाई कहीं नजर नहीं आ रहे? एक फर्ज निभा रहा है, हमारे मेहमान की देखभाल कर रहा है। यकीनन गौंजा खातून के पीछे गए होंगे, हो सकता है सरहदी बाजार में हो। चुप हो जाओ। बाला खातून, आप मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा, लेकिन आपका बेटा अलाउद्दीन मेरा हरीफ है। देखो तो जरा। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? रुको, यहीं खड़े रहो। वो सादत खातून हमारे शहजादे अलाउद्दीन को पसंद तो कर नहीं रही, और तुम्हें पसंद करेंगी गाजी? मुझे तो नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन शहजादे को क्यों नहीं दे रही? लड़की के घर वाले कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। खैर होगी, अल्लाह बेहतरी फरमाएगा। अगवा कर लेते हैं, शहजादे से पहले ही अगवा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहादुरी और हिम्मत की जरूरत होती है, इसलिए मैं तो चला। और इन दोनों चीजों की कमी है तुम्हारे पास गाजी? मैं इसे महल ही ले जाती हूँ तो बेहतर रहेगा। वालिदा। हाँ? अगर वो गौंजा खातून का रिश्ता नहीं देंगे तो हम उसे अगवा कर लेंगे। देखेंगे क्या करते हैं, उसे अगवा करेंगे या उसके बाबा की रजामंदी से ले जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, वैसे आपको सास का किरदार अदा करना पड़ेगा। क्या कर लूंगी मैं? बिल्कुल जी, कर लेंगी। चलो चलते हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है? सिपाही पिछले दरवाजे के लिए मेंढा तैयार कर रहे हैं हुजूर। दोपहर के वक्त फौज कूच के लिए तैयार होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब, हमने कल ही बात की है कि किताही के तैकफूर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या इस हमले से हमारे और दूसरे सरदारों के ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचेगा? किताई का वो तकफूर अपनी जुबान की वजह से नहीं बल्कि गद्दारी की वजह से निशाने पर है। क्या हम कुछ जानते हैं जनाब? उसने इजनिक और बुरसा के तकफूरों को सारी सूरत हाल से आगाह किया है, उनसे अहकाम लिए और हमसे मुआहदा करने आ गया। हमारी पीठ में छुरा घोंपे का मौका मिलते ही, और सिर्फ वही नहीं, वो याकूब सरदार भी इत्तेफाक करना चाहेंगे। मैं ऐसी सोच रखने वालों को अपना गुलाम तो क्या, अपनी दहलीज का कुत्ता भी ना बनाऊं। और हाँ, किताई से मिलने वाला माल गनीमत तकफूरों में तकसीम किया जाएगा, ऐसे ही उन सबका मुंह बंद रखा जा सकता है। जो आपका हुक्म। कुछ लोग आ रहे हैं इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम सोलगुरागा। हाय माशाल्लाह। खुश आमदीद, आइए आइए। इस मुबारक जिहाद की राह में आपके पीछे खड़े होने वाले जंगजू शेर लाया हूं अपने साथ। हर एक जंगजू अपने दिल में गाजी बनने की नियत यहां लेकर आया है, जंग के लिए हाजिर है। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्हीं जवानों की वजह से बहुत सी जंगें, बहुत सी लड़ाइयां और बहुत सी फतुहात हासिल करेंगे, गाजी बनकर लौटेंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब इंशाल्लाह। अनूर, हुक्म करें। हम शाम से पहले किताई पहुंच चुके होंगे, अब जाइए तैयारियां मुकम्मल कीजिए। समझे, हो गया। कोई निशान तो छोड़ा होगा उन्होंने। हर तरफ अपनी नजर रखिए खवातीन,
शहजादी को तो हम ढूंढ लेंगे। तो चलिए खवातीन, अच्छी तरह तलाश करें। गुलजे, अलाउद्दीन सरदार के पीछे 2 सिपाही भेजो, उनसे कहो उसका ताकुब करते रहे। जो हुक्म गुंजा खातून। जाओ। चलो। मेरा ताकुब कर रही हो चालाक खातून? मदरसे वाले। खुशामदी चालाक खातून। बहुत ख्याल कर रहे हो शहजादी का, ताकि कोई उस तक पहुंचे नहीं। बताओ मुझे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याकूब सरदार शहजादी की तलाश में है। खोजियों के हमरा ढूंढ रहे हैं आपको। तुम्हें शहजादी की तलाश है ना? मुझे सब मालूम है चालाक खातून, और जानता था कि तुम यहां जरूर आओगी। सही कहा, शहजादी की तलाश में आई हूं मैं, लेकिन तुम किस लिए आए हो? हाँ? शहजादी को फिक्र हो रही होगी, तो जाइए, उसे परेशान मत करें। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है? चालाक खातून। क्या हो गया? तकलीफ हो रही है तुम्हें? कसूर माफ कर दीजिएगा। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा था। तुम हसद ना करो। वैसे भी मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारी ही राह तकती हैं, और मेरे कान सिर्फ तुम्हारी ही आवाज सुनते हैं। अगर तुम मेरे दिल से पूछो तो वो एक अरसे से तुमसे जुड़ा हुआ है। बहुत भारी हाथ है तुम्हारा चालाक खातून। हमारे फराइज हमें मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा हमेशा होगा, तुम जानते हो ना? नहीं, यह हमेशा नहीं रहेगा। जब हमारी शादी होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर कुछ नहीं बदला और हमारे दरमियान खून बहा तो क्या होगा अलाउद्दीन? सब्र तो रखो, मायूस ना हो ऐसे। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा गुंजा। हमारी शादी जरूर होगी अलाउद्दीन। भाई, भाई, भाई! तुम मेरी बहन से शादी करोगे? भाई, भाई रुक जाए, क्या कर रहे हैं? रुक जाए भाई। चलो, भागो यहाँ से। चलो, चलो। सबके सर काट डालो, सबके घर चला डालो। अंदाजो, इन्हें मार डालो। सब लोगों की हिफाजत करो, जल्दी। इनमें से कोई भी जिंदा बच के ना जाने पाए। जो भी उस्मान का साथ देगा वो कुचला जाएगा। ये कबीला तुम्हारी कब्र बनेगा, याद रखो। तुम लोग और तुम्हारे कबीले, हम मंगोलों की तलवारों से नहीं बच सकते।
तुम लोगों के हर कबीले पर हमला शुरू हो चुका है। अब तुम लोग मौत के घाट उतारे जाओगे। बेटा तैयार है हुजूर। हाँ शुक्रिया। कोनूर। जी हुजूर। तुम महासर की सरबराही करोगे और सीढ़ियों के जरिए दीवार पर चढ़ोगे। मैं बोरान और सिपाही पीछे का दरवाजा तोड़ने के लिए मुड़ जाएंगे और ये मेरे साथ होगा। जनाब सिपाहियों से खबर आई है, मंगोलों ने ओरा सरदार के कबीले पर हमला कर दिया है। जासूसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर अब हमारे अलावा हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। महासर के हथियार जंगल में ले जाओ, अभी हम कबीले जाएंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की उस्मान का साथ देकर। मंगोल हर जगह छा चुके हैं, कहाँ है तुम्हारा उस्मान? चुप कर बैठा है हा? वो यहाँ नहीं है, लेकिन तुर्क बहादुर तुम्हारे मुकाबले के लिए यहाँ मौजूद है। इस जंग का आगाज मेरे भाई की मौत से हुआ। अब तुम सब मेरे सामने घुटने टेकोगे, और कोई रास्ता नहीं है। हरगिज नहीं। यानी शहर अल्हानी रियासत का मुकाबला नहीं कर सकता। उस्मान ये नहीं जानता कि ये शहर बागियों का है। हाँ उस्मान, तुम्हारे शहर का सफाया कर देंगे। अल्हानी रियासत के बहादुर सिपाहियों, तुमने टैंगरी के दामन में मेरे साथ जंग लड़ी है। हमने मिलकर कितने ही दुश्मनों को घुटने टिकवाए, कितनी आसानी से हमने इनके कलों पर कब्जा किया। अब मंगोलों के सिपाहियों की अस्मत और अल्हानी रियासत की ताकत इन सरजमीनों पे दिखाएंगे। और जो शहजादी उस्मान हमारी ले गया है, उसके शहरों से नेस्तो नाबूद कर देंगे और उसके बीवी और बच्चों को मार डालेंगे। जनाब गोरकुलोहान उस्मान कबीले की तरफ जा रहा है। आला, मौत बुला रही है उसकी। तैयार हो गया, चलो चले। यानी शहर पूरी तरह से महफूज है, हम दाखिल कैसे होंगे? पहले उनके लिबासों में दाखिल होंगे। हमारी आवाज उनके लिए मौत का पैगाम साबित होगी। उसी वक्त हमला करेंगे। चलो, हमारी जीत हमारी मुंतजर है। भुया, 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 भुया,
रुके भाई, ऐसा मत करो। जाओ गुंजा भाई। भाई भाई छोड़ दे इसे। अलाउद्दीन अलाउद्दीन, भाई भाई रुक जाए, भाई भाई रुक जाए, भाई रुक जाए, ऐसा मत करे। आपको अल्लाह का वास्ता, ऐसा मत करे, छोड़ दे उसे। छोड़ो मुझे गुंजा, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अपनी हद में रहो, कहो जो कहना है तुम्हें। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? अलाउद्दीन नहीं करो ऐसा। भाई भाई रुक जाए, भाई रुक जाए, अलाउद्दीन भाई खुदा के वास्ते रुक जाए, अलाउद्दीन तुम रुक जाओ। मैं गुंजा से मोहब्बत करता हूँ मेहमत, और इसकी हिफाजत करना मुझ पर फर्ज है। अलाउद्दीन भाई क्या कर रहे हैं? अलाउद्दीन तुम रुक जाओ। भाई, भाई नहीं, तुम बीच में मत आओ। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। अल्लाह का सुकून हो जाओ भाई, ऐसा मत करे। पहले मामलात को समझो। कौन जा? नहीं, मैं कहता हूँ हट जाओ। नहीं नहीं लड़े आप लोग। भाई भाई रुक जाए, रुक जाए। अलाउद्दीन तुम रुक जाओ। नहीं भाई ऐसा नहीं करे। सिपाहियों मदद करो। रुकमान, किसी को नहीं छोड़ना। नहीं भाई, अलाउद्दीन अलाउद्दीन नहीं भाई। ये तुम गलत कर रहे हो। चुप हो जाओ बस भाई। गुंजा हट जाओ सामने से। नहीं भाई, आ भाई नहीं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। नहीं गुंजा खातून, नहीं। अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? तुम मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हो मेहमत। गुंजा को जाने दो। नहीं छोड़ो मुझे। तुम्हारा मसला मुझसे है। खुदा का वास्ता भाई रुक जाए। भाई भाई नहीं, भाई छोड़ दे। अलाउद्दीन भाई आप ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई? नहीं नहीं भाई नहीं। मैंने कितनी दफा मना किया तुम्हें कि अलाउद्दीन से तुम दूर रहना। नहीं नहीं भाई, भाई रुके। भाई तुम यही चाहती थी ना गुंजा? अलाउद्दीन भाई, भाई अलाउद्दीन नहीं, नहीं भाई नहीं, अलाउद्दीन। तुमने हमारे चंगजू और कबीले के लोगों पे हमला किया है, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मंगोल हिसाब नहीं देते। हम फैसला कर चुके हैं, जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको जलाकर राख कर देंगे, एक शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, और खून नहीं बहेगा। मुमकिन नहीं, तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार। उस्मान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुर्कों की आजादी तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। Yeah!
काफिरों को मार ना लो। तब तक अपनी तलवारों से हमला करते रहो, कोई जिंदा ना बचे, कोई नहीं। सिपाहियों, आज मौत हमें नहीं इन काफिरों को ढूंढेगी। आ जाओ। या, या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ले जा रहे हो तुम? कपड़े हैं जनाब। चलो देखते हैं। ठीक है, जाओ। शुक्रिया भैया। वक्त आ गया, तैयार हो जाओ। गोरखलुहान इस शहर को नेस्तो नाबूद कर देगा। जितने भी करीबी हैं उन सबको मार डालो। हम इस जगह को जहन्नम में बदल देंगे। जहन्नम में।
फातिमा, यहाँ से चली जाओ। मंगोलों ने हम पे हमला किया है और आप मुझे पीछे हटने को कह रही हैं? इनका मुकाबला कर सकती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे ही रहना। जाने दे देंगे लेकिन अपने शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सिपाहियों आ जाए। सिपाहियों, हम मंगोलों को महल के आसपास के इलाकों तक पहुंचने से पहले रोक देंगे। गुरकन, हर जगह दिफाई दीवार बनाओ, छतों पर तीरंदाज तैनात करो। चलो। जो हुक्म आपका सरदार। शाबाश सिपाहियों, चलो चलो। भाई सुंगुरु जनाब, लोग पनागाहों में वापस चले गए हैं। मंगोलों ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सिपाहियों को खबर करो, उन्हें दिफाई हुदूद तक पीछे हटने दो। चलो जल्दी करो। सिपाहियों मेरी बात सुनो, जल्दी आओ। मंगोलों को आज हम इंशाल्लाह अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। जब वो दिफाई हुदूद तक पहुंच जाएंगे, उन पर हमला करेंगे और उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। चलो सब लोग काम पे लग जाओ। चलो चलो जल्दी। बाल सुंगुर, क्या हुआ है? खैरियत तो है? हाँ? मंगोल आम लोगों के हुलिये में शहर में दाखिल हो गए हैं। क्या? इसी तरफ आ रहे हैं। पहले हमें लोगों के सामान का तहफ्फुज़ करना होगा, समझ गए? आलगन, मर्द और खवातीन जंगजुओं का बहुत ख्याल रखना है। जख्मियों को यहाँ लेकर आओ। फातिमा से कहो। मालूम खातून, फातिमा बाला खातून के साथ बाजार में है। ये क्या कह रही हो आलगन? सिपाहियों, खवातीन, हम बाजार जाएंगे। मालूम खातून, बाजार पर कब्जा हो चुका है, उन्होंने पूरे इलाके को घेर दिया है। समझो कि तुम जीत गए उस्मान, हम मंगोल तुम्हारा इस जमीन पर रहना दुश्वार कर देंगे। वो जमीन खून से ली है, उनकी हिफाजत भी खून से ही करेंगे। किस किस को बचाओगे उस्मान? सब कुछ खत्म हो चुका और अब तुम्हारी बारी है। आओ करो सामना मेरा। सिपाही तैयार करेंगे, तामीर रो करेंगे, मगर आजादी तुमको से कोई नहीं छीन सकता। आज ये जगह तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी उस्मान। अब तुम्हें यहाँ से आजाद सिर्फ मौत ही करवा सकती है। जाओ।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम तन्हा रह जाए, हम लोग ये सरजमीने कभी किसी को नहीं देंगे। अल्लाह हू अकबर। कसम खाता हूं कि तुम सबको इन सरजमीनों से निकाल बाहर करूंगा। तुमने मेरी कौम पर बहुत जुल्म सितम किया। अगर तुम्हें इन सरजमीनों से ना निकाला मैंने, तो मुझे उस्मान सरदार मत कहना। तुम मरोगे अलाउद्दीन, तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? गुंजा, हटो, छोड़ दो मेरी बहन। गुंजा, तुम ठीक हो? गुंजा ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं। ये तुम्हारी वजह से हुआ, जान से मार दूंगा तुम्हें। बस करते बहुत हो गया, खुदा के वास्ते अब तो रुक जाए। खुद नुकसान पहुंचाकर इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। हसन, बस्ता लेकर जख्म पर पट्टी करनी पड़ेगी। गोगमान, लाने दो इसे। ठीक हो ना? ठीक हूँ। हिम्मत रखो। ठीक हूँ मैं। अपना हाथ हटाओ। यहाँ लो, मुझे दो। इधर आओ, मुझे ये बांधने दो। हाथ दो अपना। अपनी हद में रहो अलाउद्दीन, याद रखना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लाओ मैं बांधू। शहजादे गौर कोलू खान यानी शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा है, ये क्या कह रहे हो? सिपाहियों, हम जा रहे हैं यहां से। तुम जाओ, मैं ठीक हूं, तुम बस चले जाओ, खुदा का वास्ता। हम यानी शहर की तरफ जाएंगे। अलाउद्दीन, मैं मकरूज था तुम्हारा, इसलिए तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन अब मुझसे उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी जान दोबारा बख्श दूंगा। जान लेने और देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है मेहमत। मैं भी गोंजा की वजह से रुक गया, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं रहम नहीं करूंगा। चलो। यहां तुम लोग मेरे हाथों मारे जा रहे हो और वहां गोरकलोहान तुम्हारा शहर जला रहा है। हर तरफ से तबाही तुम्हें घेर चुकी है उस्मान। उस्मान
लड़ाई के सिपाही हो। उठ जाओ। अल्लाह हू अकबर। आज का दिन हिसाब का दिन है। अल्लाहु अकबर। आज तुमसे खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। साथियों, किसी एक का भी सर बचना नहीं चाहिए। आज हम लोग सारे हिसाब बराबर करेंगे। चलो सिपाहियों। तुम लोगों की आंखों के सामने राख हो जाएगा। हर किसी को मार डालो। जंदान में भी तलाश कर लिया, कोई नहीं है। शहजादी उस्मान के महल में हो सकती है, वहां जाके देखो उसे। मैं लोगों को संभालता हूँ। वाला वाले साहब, दरवाजे बंद कर दो। सिपाहियों, वाले साहब, वाले साहब, जल्दी बंद करें। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी मौत से अपना इंतकाम लूंगा। ये सरजमीन जहां तुम इंतकाम लेने आए, तुम्हारी कब्र बनेगी। इंतकाम लोगे मुझसे? होते कौन हो तुम? हाँ, होते कौन हो तुम? हाँ, अल्लाहु अकबर। कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत? जब तक तुम बेगुनाहों पर हमला करते रहोगे, हम सबको अपने खिलाफ पाओगे।
सुनो साथियों, हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, हम पीछे हट रहे हैं। ठीक तो है ना? जी ठीक हूं जनाब। सिपाहियों, जख्मियों को देखो फौरन और ये आग बुझाओ जल्दी। जनाब, हम यहां संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें, शहर जाएं रियासत आले उस्मान की खातिर। फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी होगी। हिम्मत वही अदा करेगा, बेशक वो अदा करेगा। चलो सिपाहियों, हम यानी शहर जाएंगे। चलो जल्दी करो, हम उन पर पीछे से हमला करेंगे। यानी शहर गैर महफूज नहीं है, हम उन्हें बताकर रहेंगे। चलो। बस सुनो, जिस सिपाही पे सबसे ज्यादा इत्मार हो तुम्हें, उसे यहाँ छोड़ दो, उस्मान मेरे पीछे आएगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ की खबरें मिलती रहे। जैसा आपका हुक्म अमीर गोरखलोहान। सब चला दो। अगर हम गिरेंगे तो यानी शहर गिर जाएगा। उठ जाए। इन्हें आगे ना बढ़ने दे, यही रोक के रखे। या, 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 या। सलामत रहे। यानी शहर को शादा के खून से बनाया है, तुम इस सरजमीन से जिंदा नहीं जा सकते। मार डालो इन्हें। मंगोल महल के करीब पहुंच चुके हैं, दिफाई सरहदें टूट गई हैं, हमें वहां जाना होगा। चलो बाला, आ जाए। सिपाहियों, पीछे मत हटना, हमने महल को थाम रखा है। पीछे मत हटना, आगे बढ़ो। तोड़ दो दरवाजा, जल्दी करो। सिपाहियों, जल्दी करो, दरवाजे के पास जाओ, जल्दी जल्दी। हर जगह संभाल लो, पीछे मत हटना, कोई भी बचने ना पाए। चलो। इस शहर का सजा सजा मैं जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे सिपाहियों में से एक भी मुझे रोक नहीं पाएगा और मैं शहजादी को ले जाऊंगा। खवातीन तैयार रहे। हमला,
आज तुम लोगों का खात्मा है। इन पर तीरों की बौछार करो। या या हाथ किसी को नहीं छोड़ना। इन सब को यनी शहर से निकाल कर रहेंगे। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ो। मुझे जब तक शहजादी नहीं मिल जाती, मैं इस शहर पर हर किस भी रहम नहीं खाऊंगा। जाओ उस्मान को बता दो। महल के अंदर जाने की तैयारी शुरू करो। क्या तुम ठीक हो बेटी? ठीक हूँ वालिदा, ठीक हूँ। मैं जानती हूँ तुम एक मजबूत माँ की बेटी हो। और हान, बिल्कुल सही वक्त पर आए तुम बेटा। फातिमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ भाई, कुछ नहीं हुआ। आप ठीक? हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा। चलो तबीब के पास चलें। तबीब को पैगाम भेजें, हर जख्मी को तबीब के पास लेकर जाए। जल्दी करें। सिपाहियों, बाजार के हर रास्ते पर दिफाई तैयारियां करें।
होगा। सिपाहियों, जल्दी करो आग बुझाओ। चलो जख्मियों को देखो फौरन। ओह, ओह, फिक्र मत करें, आप ठीक हो जाएंगे। हरगिज़ फिक्र मत करें, ठीक होऊंगा सर, सब ठीक हो जाएगा। यानी शहर को आग में झोंक दिया, हर चीज जला के राख कर दे, हर चीज। गुरकलुहान, तुमने मेरे शहर को जला दिया, मेरे लोगों पर बहुत जुल्म किया। याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये जो कुछ तुमने किया हमारे साथ, जो कुछ किया, इस सब का हिसाब तुमसे लेकर आऊंगा। मैं सर काट के तुम्हारा इन लोगों के सामने पेश करूंगा। मैं अगर ऐसा तुम्हारे साथ ना कर पाया तो मुझे उस्मान सरदार मत कहना। सिपाहियों, जमा हो जाओ, आ जाओ। आ जाओ। वालिदा, उस शख्स के लिए क्या अपनी जिंदगी दांव पे लगा दोगी? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा गौंजा? अगर मैं अलाउद्दीन का बचाव ना करती तो मेहमत भाई उसे मार ही देते। तो मरने दो, तुम्हें क्या? तुम कब से अपनी जान दांव पर लगा देने वाली मोहब्बत करने लगी? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी गौंजा, बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। किस चीज की इजाजत नहीं देंगी? हाँ, आपने खुद मुझे इस खेल में घसीटा था, क्या अब आपको इस बात का एहसास हो रहा है? मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी, कहा था कि उससे इश्क करो, अलाउद्दीन को जला डालो, लेकिन तुमने तो खुद को जला डाला है बेटी, देखो खुद को। गौंजा, देखो बेटी, देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ गौंजा। अब आपको फिक्र हो रही है अपनी बेटी की? मैं तुम्हें इस मोहब्बत में कुर्बान नहीं होने दूंगी, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तुम अलाउद्दीन से नहीं मिलोगी, हरगिज़ नहीं मिलोगी तुम अलाउद्दीन से। गोंजा, गोंजा, तुम ठीक हो मेरी बेटी? ठीक हूं बाबा, मैं ठीक हूं। ये कैसे हुआ? किसने हमला किया तुम पर? अहम ये नहीं है बाबा, जब कुछ सिपाही शहजादी के ताकुब में थे। तुम वहां क्या कर रहे थे मेहमत? क्या मैंने तुमको कोई और काम नहीं दिया था? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं सरदार? ये तो खुशकिस्मती थी कि मेहमत वक्त पे पहुंच गया। जो भी हो, असल मसले की तरफ आते हैं। गोरकलुहान ने यानी शहर पर हमला कर दिया है। उस्मान ने उस शहजादी को असीर करके बहुत बड़ी गलती की है। यानी शहर का बाजार तबाह हो गया, दोबारा बहाल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और अब उस्मान का बाजार और उसकी रियासत का ख्वाब खत्म। इस सारे हमले से सब कुछ खत्म। बाबा, आप खुश हो रहे हैं इससे? उन मासूम जानों का क्या? आपको उन पर जरा भी तरस नहीं आ रहा क्या बाबा? ये कैसी बात है
गुंजा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं? वो सब हमारे अपने थे, अपने। लेकिन क्या लोगों की हिफाजत करना उस्मान का फर्ज नहीं था बेटी? मुझे उस्मान से हमदर्दी बिल्कुल नहीं, उसके ख्वाबों तले दबने वाले लोगों का गम है। अब से हम काई वालों की भी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। उस्मान जो ना कर सका वो अब हम करेंगे। चलें, तैयारी करें, हम उनकी ताजियत के लिए जाएंगे। बाबा, गोंजा यहीं रहेगी, जख्मी है ना? कोई जरूरत नहीं भाई, मामूली खराश है बस। साथ चलूंगी मैं भी। ठीक है फिर, चलें। ठीक हो जाओगे बाबा। फातिमा, ये क्या है? मामूली सी खराश है बाबा, ठीक हूं मैं। ओ मेरी बेटी, सूरत हाल क्या है? और हान के वक्त पर पहुंचने की वजह से हमारा नुकसान कम हुआ जनाब। अल्लाह का शुक्र है, मगर हमें बहुत कुछ करना होगा। यानी शहर की नए सिरे से तामीर करनी है। करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे। मेरे लोगों पर इस कदर जुल्म किया, मेरे सिपाहियों को जान से मार दिया, उनसे इसका हिसाब लेकर रहूंगा, हर चीज का हिसाब लूंगा। कसम खाता हूं उसका सर उसके धड़ से उतार कर रहूंगा मैं। अब वक्त आ चुका है।
जनाब गोरखो लोहान, आपने तो बड़ा जाल बिछा दिया है। उस्मान के सर के लिए क्या नहीं चाहते थे कि तुम ऐसा हो? हाँ सर, चाहता हूँ उसका मैं। उस्मान के मरने के बाद यानी शहर और बिलजिक का हकदार बनना चाहता हूँ। अगर अमीर इसकी इजाजत दें तो। तुमने सही इंतखाब किया है टेकफोर, राय का ख्याल रखा जाएगा तुम्हारी। अब जाओ और अपने सिपाहियों को तैयार करो, मैं उन सबको मार डालना चाहता हूं। आपने हमें बिलावजह रोक दिया बाला खातून। अगर हम सरहदी बाजार जा चुके होते तो हमारा नुकसान नहीं होता। आपकी जिंदगियां और आपके अम्वाल हमारी हिफाजत में है, हमने भी बहुत कुछ खोया है। आपके जाया होने वाले सामान की तलाफी जरूर की जाएगी, बेफिक्र रहिए। हम सरहदी बाजार जाना चाहते हैं, हम सरहदी बाजार जाएंगे। बात सुने, ये मिलजुल कर रहने का वक्त है, हम बर्बाद हो जाएंगे मुत्तहिद न हुए तो। बाला खातून दुरुस्त कह रही हैं, हम जहां भी जाएं वो हमला जरूर करेंगे, हम यहीं रहेंगे। हम यानी शहरी रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यानी शहरी रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। जिसे रहना है वो रहे, लेकिन हम सरहदी बाजार जाएंगे। चलो जल्द सेहतयाब हों यानी शहर के लोगों, हम आपका दुख बांटने आए हैं। क्या सरहदी बाजार के दरवाजे अभी भी हमारे लिए खुले हैं याकूब सरदार? हमेशा हमेशा। होशियार उस्मान साहब। हुजूर, तमाम सिपाही तैयार हैं गोरखलु खान के पीछे जाने के लिए, जख्मी भी शामिल होना चाहते हैं। मुबस्सरीन रास्ते में है, उनकी जगह जल्द मालूम हो जाएगी, हमें जल्दी निकलना होगा। उस काफिर का सर लिए बगैर वापस नहीं आएंगे बाबा, अब इंतकाम लेना जरूरी हो गया है। काराली जनाब, सिपाहियों को तैयार करो, गोरखलु खान के पीछे जाएंगे। उसे छोड़ दो अभी। वो इसी की तवक्को कर रहा होगा, ये सही वक्त नहीं है। लेकिन क्यों बाबा? उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई है, उससे उसके किए का हिसाब लेकर रहेंगे। हम जाएंगे। मैं जैसा कह रहा हूं वो करो। जनाब, अगर हम उसके पीछे नहीं जाएंगे तो लोग हम पर एतबार नहीं करेंगे। अगर हमने वहां जाकर उसका सर कलम नहीं किया और अगर हमने उसको सजा नहीं दी। बस करो, जाओ। हरगिज नहीं जनाब। चले जाओ, चले जाओ यहां से भी। नजर मत आना, जाओ। स-
बहुत शुक्रिया बाबा। अब अगर जंग नहीं होने तो फिर तलवार की भी कोई जरूरत नहीं। आप सलामत रहें। बिला वजह इंसानी जाने जाया की तुमने। अगर उस वक्त सरहदी बाजार जाने दिया होता उन्हें तो बिल्कुल ऐसा ना होता। क्या नहीं होता सादत खातून? क्या मंगोल सिर्फ हमारे दुश्मन हैं? आपके नहीं है क्या? वो सरहदी बाजार पर भी तो हमला कर सकते थे। मंगोलों को उकसाने वाले तुम लोग और उनका शिकार होने वाले ये मासूम लोग अगर शहजादी को अगवा न करते तो वो यनी शहर पर हमला न करते। अगर शहजादी गोरगुलोहान से शादी कर लेती तो बाजंतीन और मंगोलों का इत्तेहाद हो जाता और इसके नतीजे में सिर्फ हम ही नहीं आप भी कुछ ले जाते। हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो हकीकत बस तुम्हें ही मालूम है हाँ? चलो। और हान क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तलवार कहाँ है? अब उस्मान सरदार के लिए मेरे पास कोई तलवार नहीं बची। तुम्हारा बेटा तो बहुत गुस्से में है लेकिन उसका ये गजब उसे ही जला डालेगा। मेरे बेटे पर बात करने का आपको कोई हक नहीं। अपनी हद में रहिए जरा। क्यों नहीं, बिल्कुल मेरी हद है। तुम्हारे बच्चे हद से बढ़ने लगे हैं, अब खुद ही अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं लेकिन फिर भी इबरत नहीं ले रहे। दोबारा अगर वो गलतियों के मुर्तकिब हुए तो उस वक्त तकलीफ सहने के लिए उनकी जिंदगी ही नहीं रहेगी। सादत हमें धमकी ना दे। उस्मान साहब, आपने अपने बच्चे को बरतरफ कर दिया लेकिन वो सच कह रहा था। शहजादी को देखकर जान छुड़ाने का वक्त है। आप गलती पर हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उस्मान सरदार, ये मामला सिर्फ आपका नहीं, पूरी रियाया तकलीफ में है। इन सबको आग में मत झोंकिए। नहीं, मैं आपको अपनी सरजमीन जहन्नुम में बदलने नहीं दूंगा। याकूब साहब, इस सरजमीन को जन्नत बनाने के लिए जो भी जरूरी हो करूंगा मैं, और इसके लिए चाहे मेरी जिंदगी जहन्नम बनकर रह जाए हटूंगा नहीं पीछे मैं। शहजादी को रिहा करना होगा आपको, बहुत हो गया। याकूब साहब, अगर शहजादी को उनके हवाले कर दिया तो इससे भी 10 गुना ज्यादा हम नुकसान उठाएंगे। समझ में क्यों नहीं आती ये बात? बेशक मुश्किलें आएंगी और हमले भी किए जाएंगे लेकिन अगर हमारे हाथ कुछ न रहा तो कोई शक नहीं फना हो जाएंगे। क्या होगा तुम्हारे ख्याल से? वो हमें कैसे तबाह कर देंगे? याकूब साहब, रियासत सलजूक को तबाह करके वो हुक्म सादर करने लगे, हर चीज हथियार ली उन्होंने और उसके बाद उसे करारगाह बना लिया अपने और अब मगरिब की तरफ बढ़ रहे हैं।
उनके सामने खड़ा रहूंगा, उनका मुकाबला करूंगा। अगर वो मुझे जेर कर दें तो आपकी तरफ आएंगे। जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे उस सूरत वो आपको महसूल देने के लिए मजबूर भी करेंगे। और बस यही नहीं, जो कुछ उन्होंने कुनिया के साथ किया उससे कहीं बढ़कर पेश आएंगे। आप पर लोग मुसल्लत किए जाएंगे। करासी और जानदार को तबाह करके वो आपकी तरफ आएंगे, तब कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। बाजंतीनी उन्हें अपनी शहजादी इसलिए उनके हवाले की है। पहले ही बहुत आखिर हो चुकी है, मंसूबे तब्दील करने से मुश्किल होगी हम लोगों को, याद रखिए। आप शहजादी को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते उस्मान, गोरकुलुहान ढूंढ लेगा उसे। उसकी फिक्र मत करें, गोरकुलुहान अब मेरी तलवार से हरगिज नहीं बच सकता। अब वक्त आ गया है। उस्मान जनाब, और हान इजाजत दें याकूब साहब। शुक्रिया उस्मान सरदार, जो मैंने कहा उसे अच्छी तरह सोचे। उस्मान, औरहान अपनी तलवार के बगैर गया है। सलीबी और मंगोल उस पर हमला करने का कोई मौका जाया नहीं करेंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा फिर? वो खुद निपटेगा उसके साथ जो होगा, ये उसी का फैसला था। फिक्र मत करो उसके, उसकी फिक्र मत करो। सुल्तान, कोकलोहान का आदमी। मुझे हर खबर से आगाह रखना। जो हुक्म सुल्तान। तुम लोग यहीं रुको। उस्मान ने क्या कहा? वो गोरकुलुहान के पीछे क्यों नहीं गया? उस्मान बहुत परेशान है, यानी शहर पर हमले ने उसे तोड़ कर रख दिया है। हत्ता के औरान को भी महल से निकाल दिया है। इंतकाम लेना चाहता था वो। अब उसे वक्त लगेगा दोबारा से ताकत हासिल करने में। गोरकुलुहान जल्दी ही उसे कुचल देगा। और वो शहजादी, वो कहाँ है? हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ सके। उस्मान ने उस जगह को खुफिया रखा हुआ है। उस याकूब से कहो जो खुद को सुल्तान समझता है, अगर वो अपनी सल्तनत में शहजादी को नहीं ढूंढ सका, उसका अंजाम वाज़ह है। उस्मान से पहले हम उसका सर उतार देंगे। सब लोग एक एक करके सरहदी बाजार जा रहे हैं याकूब साहब, और औरहान भी उस्मान को छोड़कर दूर जा चुका है। उस्मान का सारा खानदान बर्बाद हो रहा है, पहले औरहान और फिर दूसरे, सबको हकीकत नजर आएगी। हाँ, बहुत अच्छा है, चलें, हम जा रहे हैं। दरवाजे बंद कर दो। ये क्या बकवास है अलाउद्दीन सरदार? उस्मान सरदार का हुक्म है कि यानी शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए जाएं।
ये क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? हमें जाना है, दरवाजे खोलो। किस सबब से हमें यहां रोक रहे हो अलाउद्दीन? हमारे दरमियान कोई गद्दार है। जब तक वो मिल नहीं जाता, यानी शहर से कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा। मुझे तुम्हारे गद्दार की परवाह नहीं। दरवाजे खोलो, मैं जाना है। ये हुक्म हमारे उस्मान सरदार का है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई भी यानी शहर को नहीं छोड़ के जा सकता याकूब साहब। मैं तुम्हें और तुम्हारे सरदार के हुक्म को पैरों तले रोन दूंगा। हम जा रहे हैं, फौरन दरवाजे खोलो। सिपाहियों, तुमसे मैं इसका हिसाब लूंगा उस्मान। महल जाएंगे हम। चलो मेरे साथ। अंदर जाओ, चलो। ये क्या हो रहा है यारगम? मालूम नहीं। जल्दी बताओ मुझे। वाकई मुझे नहीं मालूम। तुमने तो अपना मुंह नहीं खोला ना। तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, ना ही तुम और ना ही जय को ताई किसी भी कीमत पर अपना मुंह खोलोगे। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया, मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगी। अगर अपने बेटे का सोचोगी तो हर किस मुंह नहीं खोलोगी। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो पहले तुम्हारा बेटा और फिर तुम। मुझे मजीद कुछ करने पर मजबूर ना करना अलगन। चलो जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब याकूब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे यहां से रोकने वाले तुम कौन होते हो उस्मान? तुम्हें मालूम है इसका अंजाम क्या हो सकता है? याकूब सरदार, कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से काम लेते हैं अब हर चीज में। क्यों रोका है मुझे यहां? सिर्फ आप ही को नहीं रोक रहे, हर किसी को रोक रहे हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। वजह? इस शहर में गद्दार छुपा है। फिर इस गद्दार को तलाश करो उस्मान सरदार। सुल्तान को गिरफ्तार करने का मतलब, या फिर तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो? नहीं, हरगिज नहीं याकूब सरदार, ऐसा नहीं है। मैं तो हिफाजत कर रहा हूं। आइए मिलकर तलाश करते हैं और पता करते हैं वो काम किसके लिए करता है और उसके इरादे क्या है। उस वक्त तक मेरे मेहमान बनकर रहेंगे आप लोग। हाँ, पता तो लगे सहूलतकार कौन है, उसके बाद आप जा सकोगे। अब कहीं आपको कुछ हो गया तो हालात और भी पेचीदा हो जाएंगे।
और जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इजाजत नहीं दूंगा मैं इसके। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम शायद मुश्किल में पड़ जाओ। ये आखिरी बार है जो मैं इस बात को नजरअंदाज करूंगा। अच्छी तरह जान ले। तो आप भी जान लें, अगर कुछ जर्रा बराबर भी इसमें मुलविस निकला तो मैं उसका वो हल करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगे। याकूब साहब, कहाँ गया, कहाँ चले गए जेर कुताए? मेरी मदद करे जेर कुताए। अलगन, क्या हुआ है तुम्हें? जेर कुताए, सादत खातून ने मेरा रास्ता रोका। मुझे कहा कि अगर तुमने किसी से कोई भी बात की तो तुम्हारे बेटे गाजी को मार डालोगी। अब क्या करेंगे जेर कुताए? घबराओ नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है अलगन। मेरे होते हुए हमारे बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमें गाजी को कुछ अरसे के लिए यहां से भेजना होगा। हम इस जहन्नुम से कैसे बच सकेंगे? अलगन, तुम अभी गाजी का सामान तैयार करो, मैं इस मसले का कोई हल निकाल लूंगा। चाहिए। निकाल लूंगा कोई हल। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, जल्दी करो, वक्त कम है। वालिदा, वालिदा, सुना है गोंजा खातून यानी शहर में है, क्या वाकई ये सच है? मेरा बेटा, मेरा शेर, बहादुर बच्चा। देखो बेटा, अब तुम गोंजा खातून को भूल जाओ, तुम्हारी वालिदा तुम्हारे कपड़े तैयार कर रही है क्योंकि तुम कुछ अरसे के लिए यहाँ से जा रहे हो, समझे? कहीं नहीं जा रहा मैं, गोंजा खातून यहाँ है तो मैं भी यहीं रहूंगा। गाजी, जेर कुताए। तो ठीक है, मैं वो अहम काम किसी और को दे देता हूँ। अहम काम है? अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूंगा। सोच लो बेटा, ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब हम क्या करें बाबा? हाँ, क्या यूं ही इंतजार करते रहेंगे? बस बहुत हो गया, मैं अभी जाकर उन्हें। हिम्मत, खामोश रहो। आसमान पागल हो गया है और खत्तार को ढूंढे बगैर वो किसी को शहर छोड़ने नहीं देगा। अगर जेर कोताही कुछ बोला तो हमने जो खेल खेला है वो सबके सामने आ जाएगा और मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, उस जेर कोताहे का मुंह बंद करना होगा। फिक्र ना करो बेटा, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। अलगन को समझा दिया था मैंने। अगर उसे अपने बेटे की फिक्र है तो वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। क्या मतलब? क्या किया? वही जो करना जरूरी था गोंजा, तुमको भी यकीनन सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये जज्बात निभाने का वक्त नहीं है। एक माँ होकर किसी को उसके बेटे की जान की धमकी कैसे दे सकती है? गोंजा, चुप रहो गोंजा, बहुत हो गया। अब तुम फैसले करोगी हमारे? हाँ, यहाँ हर कोई
धमका रहा है हमें। भूल गई तुम? अगर जय कोताय ने मुंह खोल दिया तो हम सब की इज्जत दो कौड़े की हो जाएगी। बस करो। गोंजा, तुम्हारी मां ने उसे धमकी दी थी, ये तुमने अच्छा किया। हमारे साथ जंगजू बहुत कम है, अगर जहर कुताई ने अपना मुंह खोला तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मेरी बेटी, उसे खामोश रहना होगा, इसी में उसके लिए बेहतरी है। उस्मान के खिलाफ हमारे पास एक मजबूत इत्तेहादी है, गोरकोलोहान। गोरकोलोहान की ताकत हमें मजीद मजबूत करेगी, लेकिन उस्मान को हमें कम नहीं समझना चाहिए। यानी शहर में गोरकोलोहान का एक जासूस मौजूद है, हमें उनकी हर हरकत का पता चल जाएगा। यानी शहर पर गुज़िश्ता हमले के बाद उस्मान बहुत थक गया था और उसने अपने बेटे ओरहान को महल से भी निकाल दिया। जल्दी ही उस्मान के पास कोई नहीं बचेगा। बहुत खूब, यही तो हम चाहते थे कि उस्मान बिल्कुल तन्हा हो जाए। हमारी अगली मुहिम के बारे में क्या सोचा आपने? उस्मान गोरकोलोहान से बदला लेने के लिए उसके पीछे जाएगा। हम एक ऐसा मंसूबा तरतीब देंगे जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। जब उस्मान और उसकी फौज ये समझेगी कि उन्हें गोरकोलोहान मिल गया है तो मेरी फौज उनके लिए मौत का फरिश्ता बन जाएगी। ठीक है, बस शहजादी मारिया को तलाश करना बाकी रह गया है। जनाब। बोलो, क्या बात है? महल के गिर्द हमारे जासूसों को एक दरख्त से बांधा गया है और उनमें से एक के कपड़े ले लिए गए। यकीनन यहाँ कोई जासूस है और हमारे इर्द गिर्द हो सकता है। जानते हो ये तुम क्या कह रहे हो? सिपाही क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ उस गद्दार को पकड़ो। ओरहान, सिपाहियों पकड़ो इसे। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया, बात करने के लिए आया हूँ तुमसे। यहाँ पे तुम मेरे कले में घुसे हो, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। पकड़ लो इसे। इनसे कह दो कि हथियार नीचे रख दे। तुम क्यों खड़े हो सिपाहियों? पकड़ लो इसे। क्या खबर लाई हो आंद्रे? कुछ मालूम हुआ क्या तुम्हें? क्या ओरहान कैस्टल वापस पहुंच गया? उस्मान सरदार ने शहजादे ओरहान से कैस्टल कला वापस ले लिया है, आपको अगवा करने की वजह से। ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, मेरे पास अभी भी एक मौका है। शहजादी, आपकी खाला बहुत नाराज होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बस एक ही बात आम है, और हान ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसके पास जाना चाहती हूँ मैं। हर जगह की तलाशी लो, ओरहान यहीं कहीं है। ओरहान यहाँ क्या कर रहा है? अगर ओरहान को पकड़ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, चलकर उसकी मदद करनी चाहिए हमें। चलो जल्दी चलो, चलो।
भाइयों पकड़ लो इसे। वहीं रुक जाओ, मैंने कहा भी है कि मुझे कुछ बात करनी है। जल्दी करो, पकड़ो इसे। छोड़ दो मुझे, बराबर चलो। छोड़ दो। हमने तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में बताया। छोड़ दो। जयकुता, क्या ये तुम्हारे लायक है? जयकुता, मेरी बात सुनो। बोरान, बेकसूर हूँ मैं, कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो बोरान, मैंने कुछ नहीं किया। इस कबूतर के जरिए किसको खबर भेजी तुमने? किसकी जासूसी कर रहे थे तुम? ऐसा मत करे बोरान साहब, इन्हें छोड़ दे, ऐसा मत करे। हमने इसे छोड़ दिया था जब इसने जाने का फैसला किया, लेकिन ये धोखा देकर वापस आ गया। ये हमारी पीठ पर खंजर खोपने के लिए वापस आया। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पागल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। लेकिन ये इसकी कीमत अदा करेगा। सिपाहियों, इसे जल्दी दीवान ले चलो। उस्मान साहब ने इसे कुछ कहना है। चलो। मत करे ऐसा, खुदा के लिए इन पर जुल्म ना करे। पीछे। खुदा के लिए। बेकसूर, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। छोड़ दो मुझे। हमने गद्दार को तलाश कर लिया। ये आवाजें कैसी हैं? खैरियत होगी इंशाल्लाह। मालूम होगा भी। कानिमास। जी सुल्तान। क्या हो रहा है? उस्मान ने गद्दार को तलाश कर लिया है, वो दीवान में जा रहे हैं। वो जयकुता के बारे में जानते थे? गलती से भी मुंह खोलना गोंचा, अल्लाह खैर करे। चलो चलो चलते हैं। बाबा, जयकुता बेनकाब हो गया, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। चलो। जब तक नहीं बताओगे किसके पीछे कौन है, ऐसे ही तुम्हें मारता रहूंगा। उठाओ इसे, उठाओ इसे। जयकुदाय, जयकुदाय, तुम्हें अपना समझा मैंने? कितनी जंगे एक साथ लड़ी हमने, तुम्हारी वजह से कितने सिपाहियों की जान गई जानते हो? कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो तुम? सौदा कर लिया जमीर का, तुमने सबको बेच दिया। और कबूतर के जरिए खबरें भेज रहे थे तुम जिससे, उसके साथ ही तुम्हें इस शहर की फसीलों से लटका दिया जाएगा, समझे?
मैंने आपको धोखा नहीं दिया। बस बस, तुम्हें सरदार बनाया, ताकत दी तुम्हें मैंने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? हमेशा कहा मैंने कि जैरकुताए हरगिज सोने की खातर नहीं बिकेगा, जैरकुताए कभी सौदा नहीं करेगा अपने जमीर का। कैसे किया तुमने, किसके कहने पे किया? क्या इन्होंने तुम्हें धमकी दी थी? तुम्हारे खानदान की धमकी दी थी क्या? जब पहली बार मिला था, काश कि उसी वक्त जान से तुम्हें मार देता। मैं देख रहा हूं कैद से रिहा होकर बहुत ज्यादा बदल गए। मुझसे गलती हुई तुम्हें पहचानने में। ले जाओ इसे जंदान में। जब तक ये मुंह न खोले, इस पर कोड़े बरसाते रहना। कल इसको सबके सामने सजा देंगे। अगर सच ना उगला तो इसके जिस्म के एक एक हिस्से पर जर्ब मैं खुद लगाऊंगा। जाओ ले जाओ। जो हुक्म जनाब। चलो। जहर कोताई हरगिज मुंह न खोल नहीं पाए। अगर इसने मुंह खोल दिया तो सब कुछ खतरे में होगा। हमारी जाने भी। उस्मान पागल हो गया है। क्या करना चाहिए हमें? गारासी और जानदार साहब को खुफिया तौर पर खबर भेजो। मेहमत अपने सिपाही लेकर आए, यानी शहर का मुहासरा करें। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम आग से खेल रहे हो शहजादे ओरहान, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। यहां से जिंदा नहीं निकल सकते तुम। ओलिविया को छोड़ दो। ओरहान, तुम ये क्या कर रहे हो? बता दूंगा तुम्हें, सब कुछ बता दूंगा। होलो फिरा, बात सुनो। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने तुम्हारे एक सिपाही का भी खून नहीं बहाया, क्योंकि यहां मैं दुश्मनी के लिए नहीं आया। मकसद तुम लोगों से बात करना है। चुपके से मेरे महल में घुस के और मेरी जासूसी करके तुम मेरी बात सुनोगे अब और उसे मानोगे भी तेकफुर। क्या तुम शहजादी मारिया को हासिल नहीं करना चाहते? हाँ, मुझ पर भरोसा कर सकते हो तुम लोग। और तुम ये कैसे करोगे? उस्मान के ना चाहते हुए हम तुम पे भरोसा कैसे करें? उस्मान साहब के तकब्बुर ने यानी शहर को तबाह कर दिया है। मजीद ये कि अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय मुझसे मेरी सरदारी और मेरे कले भी छीन लिए। उस्मान सरदार ने मुझसे मेरे बाबा भी छीन लिए। ओरहान, शहजादी मारिया ने मुसीबतों के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है हमें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपने लोगों की हिफाजत यकीनी बनाऊंगा। और उसके लिए मेरे बाबा अगर मुझे कत्ल भी कर देंगे ना,
वो भी कबूल होगा। फैसला आपने करना है। शहजादी ओरहान, कल तुम शहजादी को सिपाहियों के साथ मेरे पास लाओगे। हरगिज मायूस नहीं करूंगा आपको तेगफुर। हम दोनों को वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। फातिमा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ? अगर भाई ने हम दोनों को देख लिया? मैंने खवातीन से कह दिया है, अगर वो आएगा तो हमें बता देंगी। पहले गाजी से मुलाकात कर लो। अच्छा किया तुमने। गाजी सिपाही? गोंजा खातून, गोंजा खातून, गोंजा खातून, ये मुझे बावर्ची खाने से नहीं निकलने देते और मेरी वालदा भी गुस्सा करती है जब आपसे मिलने का कहता हूँ तो। जरा सुनो इसकी बातें। अच्छा मेरी तरफ देखो, तुम बड़े लग रहे हो मुझे। क्या वाकई में? क्या मैं बड़ा हो गया? आप शादी की उम्र को पहुंच चुकी है गोंजा खातून। लेकिन ओ गाजी, तो तुम भी यहाँ हो। आप यहाँ क्यों आए हैं शहजादे? आप हमारे दरमियान नहीं आ सकते। पहले मैंने देखा था इन्हें और मुझे इनसे मोहब्बत है। नहीं, तुम गलत हो गाजी। पहले मैंने देखा और मुझे मोहब्बत हो गई। क्या ये सच है? सच यही है, क्या करें? इन्होंने पहले देखा। तो फिर ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोंजा खातून को शहजादे से मोहब्बत नहीं हो सकती। क्या वाकई ऐसा है? हाँ ऐसा है। गाजी चलो यहाँ से, जल्दी करो, चलो मेरे साथ। गोंजा खातून आप इनसे मोहब्बत नहीं कर सकती। चलो गाजी, कभी भी नहीं। जल्दी करो, बातें तो सुनो इसकी। अलाउद्दीन, मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे मालूम नहीं गोंजा, तुम कैसी हो? तुम्हारा जख्म कैसा है? यकीन करो ठीक हूं मैं, मगर मुझे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। परेशान ना हो, लेकिन वादा करो मुझसे
तुम कभी ऐसा नहीं करोगी जो तुमने आज किया। तुम अपनी जान को मेरे लिए खतरे में नहीं डालोगी गुंजा। नामुमकिन, जानते हो मैं ये नहीं कर सकती अलाउद्दीन। मुझ पर बहुत एहसानात हैं तुम्हारे। गुंजा, मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है। तुम्हारी जान अब मेरी जान बन गई है, इसलिए अब तुम्हें अपनी जान का मेरे लिए ख्याल रखना होगा गुंजा। चालबाज खातून। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ शहजादे? आ जाइए। शहजादे, उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं आपका। जी मैं आ रहा हूं। मुझे जाना होगा। ठीक है। हम अलाउद्दीन को उसके बारे में कैसे बताएंगे उस्मान? दुरुस्त कह रही हो बाला, दुरुस्त कह रही हो, मगर उसे बताना ही होगा। मजबूत आसाब का मालिक है वो। बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। आसानी हुई कब है हमारे लिए? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। बाबा, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी कहें, क्या हुआ बाबा? जहर कुतई गद्दार कैसे हो सकता है? हमें कुछ और बात करनी है तुमसे, जरकुताई के मसले के अलावा। बेटे, बात याकूब साहब और गोंजा की है। गोंजा? हम काराजे लसुन से मिलने सिराय की तरफ जा रहे हैं। गोंजा ही ने बताया। उसकी दिलचस्पी तुम में उसकी वालिदा के कहने पर थी। बेटा, मैं ये जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम बर्दाश्त करोगे। क्या ये सब एक खेल है? क्या कोई इस खेल में अपनी जान दे सकता है बाबा? अलाउद्दीन, मसाला सिर्फ गोंजा ही का नहीं है। मेरे बेटे, याकूब साहब हर मौके पर हम लोगों की घात में हैं, और इसीलिए हम नहीं जानते किस पर भरोसा किया जाए। मोहतात रहना होगा। हम मोहतात रहेंगे बाबा, आप फिक्र मत करें। क्या मैं अंदर आ सकती हूं सरदार? आ जाओ। मैंने गाजी को भेज दिया है जैसे आपने हुक्म दिया था। अपने बाप को इस हाल में ना देखे तो अच्छा है। हमें बर्दाश्त करना होगा। Thank you.
आलगन खातून, पुरसकून हो जाए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाबा, जहर कोताई को मारना होगा। नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा जो पहले ही तलवार के आगे सर झुका चुका है। कोई फायदा नहीं। अपने पालने वाले के साथ अगर कोई गद्दारी करे तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। यह जाहिर हो जाएगा कि तुमने किसके लिए काम किया और क्या क्या किया। मगर अफसोस कि तुम ये सब देख नहीं पाओगे। सरदार, सरदार, जासूसों ने खबर दी है कि गोरकुलुहान कहां है।
गोर कुलू खान के सिपाही याकूब सरदार से मिलने सरहदी बाजार जाएंगे और ये हम मालूम कर लेंगे। वो याकूब सरदार से मिला और फिर जाने शहर पर हमला किया। आलगन, क्या तुम ठीक हो? जेल को ताए, अब इन्हें बता दे। ऐसा क्या है? जनाब, मैंने एक गलती की है। याकूब साहब, उन्होंने मुझे आपकी जासूसी के लिए मजबूर किया। क्या? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो आपके लिए मुश्किल खड़ी करे, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। मैंने सिर्फ उन्हें यही जाहिर किया कि मैं यहां रहकर उनके लिए काम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अगर ये मेरी जात के लिए होता तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने मेरी बीवी और बेटे को धमकी दी। मेरी जान ले लीजिए सरदार, लेकिन मेरी बीवी और बेटी की हिफाजत कीजिएगा, जैसे आप करते रहे। तो बताया क्यों नहीं शहर को? था पहले क्यों नहीं बताया? वो बहुत बुरे लोग हैं, वो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शते, उसे भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रही हो आलगन? उन्होंने मुझे भी धमकी दी कि मैं आपको ना बताऊं। गोंजा ने अपने बाबा और वालिदा को कहते सुना और मैंने आपके घर की जासूसी की। आलगन, तुमने शुरू में ही हमें क्यों नहीं बताया? इतना वक्त क्यों लिया बताने में? गाजी की जान लेने की धमकी दी सादत ने बाला खातून। खामोशी के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सरदार, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, चाहे वो मुझे मार डाले। आप जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूं, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में थी सरदार। बीवी और बच्चे की खातिर ऐसा किया? इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। जनाब, आगे क्या करना चाहिए? अब जरकुताए और याकूब की धोखाधड़ी को आश्कार करेंगे। और खान, गुरकुलू खान की तरफ जाओगे। घोड़ा लाओ मेरा, जल्दी लाओ। बांध दो इसे यहीं पर, मेरे वापस आने तक ये यहीं रुकेगा।
मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं ये सरदारी और ये रियासत किसी ऐसे शख्स के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। उम्मीद है आप अपना वादा पूरा करेंगे शहजादे ओरहान। ये वादा अपने लोगों के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया मैंने ये वादा। शहजादी को हवाले करने में हमारा भी फायदा है, फिक्र ना कीजिए। जो कुछ हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूं अरहान। आपके और आपके बाबा के दरमियान कुछ नहीं हुआ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस हंसती रहा करो। हाँ क्या मालूम है तुम्हें, मैंने हर चीज को खतरे में डाल दिया था। भागने वाली थी मैं, तुम्हारे पास आने वाली थी, मगर मैं यहां आ गया। आ गए और हाँ कहो। चाहे तुम सरदार रहो या नहीं, चाहे मुल्क को जायदाद हो या नहीं, मेरा ये दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। ये बात कभी नहीं भूलना, समझ गए? मेरा दिल भी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी नहीं बदलेंगे। होलो फिरा, शहजादा और हान जरा जल्दी में है। सलामत रहो। मुझे शहजादी मिल गई, शहजादी मिल गई मुझे। कैसे? उस्मान के बेटे ओरहान ने मेरे पास पनाह ली। वो अपने बाबा की मुहिमात से नाराज था, वो शहजादी को हवाले करके ये मसला खत्म करना चाहता है। असल मसला तो शहजादी को हवाले करने के बाद शुरू होगा। उन्होंने उसे गोकपनार के घर में रखा हुआ है और ओरहान अपने साथियों के साथ वहां जा रहा है। उसकी कमर पर तलवार भी नहीं है।
अभी यनी शहर से खबर आई है, उस्मान इसी तरफ आ रहा है। उस्मान यहां आने वाला है, तुम सब मिलकर उसका सर काट डालोगे और मैं शहजादी को लेने जा रहा हूं। अब याद रखो कि उस्मान अगर बच गया तो तुम लोग बचोगे नहीं। ताजुद्दीन नोयान के आने से पहले हम ये मामला खत्म कर देंगे, वरना ताजुद्दीन नोयान हम सबको खत्म कर देगा। चलो। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। बताओ उस्मान सरदार कहाँ है? उनके यनी शहर कैसे दाखिल हो सकती हूँ? बताओ, सब बताओ मुझे, ताकि तुम्हारी जान बख्श दूँ। नहीं, तुम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकोगी। मैंने कहा बताओ मुझे। लगता है खुद ही तलाश करना पड़ेगा। बाहर के दुश्मन और अंदर के गद्दार कभी खत्म नहीं होते। जाओ मेहमत, जाओ। तीर चलाने से पहले ही तुम मेरे हाथ लग जाओगे मेहमत। सब खैरियत है शहजादे? और आप यहां क्या कर रहे हैं शहजादे? क्या चल रहा है? जब तक शहजादी हमारे पास है हमारा दर्द कम नहीं होगा। फौरन हमारे हवाले कीजिए इन्हें। कितने मजबूर हो तुम मेरे सामने, मेरी ताकत के सामने तुम कुछ कर भी नहीं सकते।
तुम अपने राजों के साथ मिट्टी में दफन हो जाओगे जहर कोताहे। अब तुम उस्मान के आगे अपना मुंह नहीं खोल पाओगे। जहर कोताही को मारकर इस मामले को दबाना चाहते हो? हाँ, सूरज तुलू हुआ और धुंध छट गई है मेहमत। सारी दुनिया तुम्हारी गद्दारी जान जाएगी। पिछली बार तो तुम्हें गोंजा ने बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा अलाउद्दीन? कमजोर इंसान, शहजादी को लेने से पहले जान लूंगा मैं तुम्हारी। लगता है तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। वहां मेरे सिपाही तुम्हारे बाप की, और यहां पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुफ है तुर्कों पर। उस्मान, ना तुम मेरे बेटे की जान ले सकोगे और ना शहजादी। अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। भुगतो जो किया है तुमने, अब शिकार बनोगे। हमला! शहजादी की हिफाजत करो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने भाइयों का बदला ना ले लें। चलो आ जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे लोगों पर जुल्म किया, मेरे शहर को आग में झोंक दिया,
और अब तुम मेरा गजब देखोगे। अरे हो जाओ। ये वो जंग है जो तुम जीत नहीं सकते सुमान, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ। जब तुम खत्म हो गए तो बहुत से खतरात भी टल जाएंगे, हम सब फिर मुत्तहिद हो जाएंगे। मेरे सिपाहियों के हाथ में तलवारें और तुम्हारी औरतों की चीखें और बच्चों का रोना उस्मान, वो आ रहे हैं, आने वाले। अरे दोनों वो भी आ जाए, उन सबको दफनाने के लिए हमारे पास बहुत जमीन है। इधर देखो, जाओ। बुलकुहार, हाँ, यहाँ का सरदार भी मैं, रियासत भी मैं। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, जीते रहो। शुक्रिया बाबा, ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, अब मिला है मुझे सुकून। चलो अब हम चलेंगे, हमें यानी शहर जाना होगा और अब गद्दारों का सामना करना होगा। चलो आ जाओ। अयाज, जनाब, इस कुत्ते का सर ले आओ साथ। जो आप कहो। उस्मान सरदार का महल कहाँ है? उस्मान सरदार का महल रास्ते के आखिर में है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जा सकती। जाऊंगी मैं यानी शहर जाकर दिखाऊंगी, और तुम जाओगे जहन्नुम में, मैं नहीं रुकूंगी। देखो इसे, गौर से देखो इसे। याकूब सरदार जिस शहजादी को रिहा करने के लिए बेचैन थे वो ये रहे। आ जाओ। हाँ, इसको भी देखो जरा, खुफिया तरीके से जिससे मिले थे वो। गौर लो, हाँ, तुमने क्या किया उस्मान? क्या हुआ? अभी तो बहुत से सर गिरेंगे, बहुत से। क्या तुम अपनी बात सुन पा रहे हो उस्मान? बिल्कुल याकूब सरदार। जनाब, सुलेमान और कारासी साहब
अपने सिपाहियों के साथ सामने इंतजार कर रहे हैं। अब कहो उस्मान सरदार। रुकिए तो, इस तरह नहीं, मैं जो कहूंगा इस वक्त वो सरदारान भी सुनेंगे। आने दो उन्हें अंदर। जनाब, दीगर सरदारान और याकूब सरदार अगर यानी शहर से दोपहर तक नहीं निकले तो वो सारे शहर को जला देंगे। ओह, इसकी जमानत तो नहीं दे सकता मैं। सभी सरदारान यहां आएंगे और जो कुछ चल रहा है वो अपनी आंखों से देखेंगे। उठो, उठ जाओ, चलो, उठो, मैंने कहा उठो, खड़े हो जाओ। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, आज तुम्हारा असली चेहरा सब देख लेंगे। कमजोर, चलो चलो। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, आप ये क्या कर रहे हैं? सुल्तान याकूब को जबरदस्ती यानी शहर में रखने का क्या मतलब है? गोरखलोहान, उस्मान सरदार, क्या आपने इसे मार डाला? सुल्तान याकूब हक पर थे। अब क्या तुम अलखानी रियासत के अमीर को कत्ल कर रहे हो? मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह करने से पहले नहीं रुकने वाले। दुरुस्त कहा, उस्मान साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसके बाद क्या होगा ये सोचे बगैर ये सब कुछ कर डालते हैं। ये बताएं जरा, जो कुछ आपके साथ होने वाला है आपको मालूम भी है क्या? बताइए ना, कुछ अंदाजा है याकूब साहब? छोड़ो, हाँ छोड़ो, मुझे छोड़ो। अहमद भाई, छोड़ो। सारी जानें बेनकाब हो गईं याकूब साहब। याकूब साहब का बेटा महमत जहर कुताई को मारने की कोशिश कर रहा था जब उसने गद्दारी का इतराफ कर लिया। सिर्फ जहर कुताई ही नहीं, ये बताइए
ये बताइए जरा, क्या एक इंसान अपने ही लोगों में अपनी बेटी को जासूस बना सकता है? क्या कह रहे हो उस्मान सरदार? हाँ, सादत खातून और ये आपके बच्चे, वो रहे, पूछिए ना उनसे। आपने सिर्फ जरकुताई और उसकी बीवी ही को नहीं धमकाया, उनके साथ साथ आपने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। सरदारान, जरा आप बताइए, आप लोग क्या अपनी मर्जी से आए हो या क्या आपस में मुत्तफिक हो आप लोग? जेब नहीं देता। तो जो हुआ वो आपको मालूम है उस्मान सरदार, हमने जो कुछ अपने कानों से सुना क्या वो दुरुस्त है सुल्तान याकूब? गलतियां करें आप और खतरे में पड़े हम सब। जालिम सुल्तान की उम्र मुख्तसर होगी। बताइए क्या करूं मैं आपके साथ याकूब सरदार? अगर अभी जान से मार दूं मैं तो ये भाइयों के दरमियान खूनरेजी होगी, इंतकाम के लिए ये लोग मेरे पीछे आएंगे, और अगर आपको भाई समझकर अपने सीने से लगा लूं मैं तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। बताइए याकूब सरदार क्या करूं मैं? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? उस्मान सरदार, इस हालत में अगर मेरे हाथ में तलवार होती, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हरगिज माफ नहीं करता तुम्हें, तुम्हारा सर काट देता। याकूब सरदार, मैंने जो कुछ किया वो अपनी सुल्तान, सुल्तान ध्यान से किसने किया है? उस्मान, ये तुमने किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। वो आपस में हमें लड़वाना चाहते हैं। सिपाहियों चलो 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 छोड़ूंगा उसे। तुम हमारी गिरफ्त में हो मेहमत, कहीं नहीं जाओगे। मेरे शोहर को कुछ हो तो यदि शहर उठाओ, जल्दी चलो चलो जल्दी करो याकूब साहब, जल्दी करो इन्हें ले चलो।
छोड़ो, छोड़ो मुझे। बाबा चलो, बाबा चलो, जल्दी नहीं होगा। चलो चलो चलो, जल्दी करो। बाबा बाबा बाबा, सिपाहियों घोड़े लेके आओ फौरन। निशानात इस तरफ हैं जनाब। सिपाहियों तुम सभी उस तरफ जाओगे और हन और मैं इस तरफ जाएंगे। उसे ढूंढे बगैर हम लोग यानी शहर नहीं जाएंगे। चलो या। चलो चलो या। या। बाबा 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 उठिए, उठिए बाबा। बाबा कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। बाबा बाबा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपके पास हूँ। ठीक तो हो जाएंगे ना बाबा? मेरे शौहर को मार दिया, मार दिया। बाबा गोंजा जख्म दिखाओ इनका। जाओ यहाँ से, मैं अपने बाबा को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ मुझसे, वक्त जाया कर रहे हो। कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें, कोई करीब नहीं आएगा। अगर उनके आने से पहले ये मर गए तो क्या करोगे? उनके आने तक बहुत देर हो जाएगी मेहमत। भाई बस करते, अलाउद्दीन को संभाल लेते, उसने आपकी जान भी तो बचाई थी ना। क्या हमारे पास और कोई हल है? तुम अब भी इन पर भरोसा कर रही हो गोंजा? हाँ यकीनन खेल खेल रही है लोग, इन्हें इस हाल में पहुँचाने वाले यही है। भाई संगूर पीछे हटो। अलाउद्दीन अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत हुआ मेहमत, हमें भी इन्हें जिंदा रखना है। अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ तो इसका हिसाब मैं तुमसे लूंगी अलाउद्दीन, सबसे लूंगी। अगर और वक्त खराब किया तो इनकी मौत हो सकती है, दूर रहिए। हिम्मत रखे याकूब साहब। बाबा बाबा जहर कुताई फरार हो गया। जनाब हमारे सिपाहियों को मार दिया, ये मुझे जाल मालूम होता है। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। अपनी तलवारें हम ख्वातीन पर नहीं उठाते। किसने भेजा तुम्हें? तुम मंगोल नहीं हो ना, काई वाले हो। मैंने मंगोल समझकर तुम पर हमला किया था। तुम्हारा घोड़ा लेकर उस्मान सरदार के पास जाना चाहती थी मैं। क्या कहना है उस्मान सरदार से? वो उस्मान सरदार को मारकर काई वाले को खत्म करना चाहता है। कौन है जो उन्हें मारेगा? ताजुद्दीन नौयान।
ताजुद्दीन नोया। बाबा आप सब्र रखें। नहीं, खून नहीं रुक रहा अलाउद्दीन, अब हम क्या करेंगे? जख्म को दबाओ। वालिदा, क्या मरहम तैयार है? बस हो गया। बाबा आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। बाबा हमारे साथ रहिए। बाबा अल्लाह हमारी मदद फरमा। इनके मुंह में रखें। ठीक है। बाबा आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बाबा हमारे साथ रहिए। बाबा हाथ हटाओ। बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या शाफी या अल्लाह। या अल्लाह। गोंजा मरहम लगाओ जल्दी से। ठीक है। मेरे सिर तो है। बाबा बाबा याकूब साहब। बाबा याकूब साहब, ये सांस नहीं ले रहे अलाउद्दीन। याकूब साहब। बाबा अलाउद्दीन। याकूब साहब। बाबा बाबा क्या हो रहा है आपको? बाबा बाबा उठिए ना। बाबा अलाउद्दीन, मदद करो। बाबा सांस नहीं ले रहे हैं। बाबा अलाउद्दीन, बाबा बाबा हमारी मदद करो अलाउद्दीन। तुमने मुझसे मेरे शौहर को छीन लिया, मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगी। अल्हानी रियासत का सुल्तान अल्तुआन का नया कमांडर ताजुद्दीन नोयान क्या चाहता है वो उस्मान सरदार से? क्योंकि उन्होंने बाज़ंतीनी शहजादी को अगवा करके आजाद सल्तनत का ऐलान कर दिया है और उसके भेजे हुए साथी उस्मान सरदार के हाथों मारे जा चुके हैं। क्या इतना काफी है? ये तुम कैसे जानती हो? मेरे वालिद और मेरे शहीद भाई की अहलिया जंग में कैद हो गए, उसके हाथों से भागकर उस्मान सरदार के पास पना लेने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि सिर्फ उस्मान सरदार ही हैं जो मेरे बाबा को उसके हाथों से बचा सकते हैं। बाबा कौन है तुम्हारे और तुम कौन हो? अकबाश कुंदूस साहब की बेटी हूँ मैं। काई कबीले की हायमा अना के नस्ब से मैं एलचिम खातून हूँ। बाबा, इस खातून ने हमारे जंगजुओं को मार डाला। ये खुद को बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रही है। ये मंगोल है, तुम्हारे सिपाही नहीं। चलो देखो। जनाब दुरुस्त कह रही है, ये लोग मंगोल हैं। वैसे तुम हो कौन? मुझे उस्मान सरदार कहते हैं। हम लोग एक हैं और अब बारी इनकी है। भाइयों, अपने भाइयों के खिलाफ तलवार खींचते हुए शर्म नहीं आती क्या? इस औरत ने हमारे भाइयों का खून बहाया है। यह एक जासूस है, इसे हमारे हवाले कर दो।
मेरे सिपाही भी मारे हैं इस खातून ने। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? पहले मैं इंतकाम लूंगा इससे। कोई मसला ना बनाए, खातून हमें दो और रास्ता नापो। बात सुनो मेरी, आगे मत आना, हरगिज आगे मत आना, वरना मार दूंगा इसे। मैंने कहा ना खातून हमें दे दो। यानी के तुम हमें नहीं जानते, जरूरत से ज्यादा लालची दिख रहे हो तुम लोग। ये वाज़े है किस खातून को पहले मैंने पकड़ा है, इसलिए हिसाब पहले से मैं लूंगा। अब अगर तुम लोगों को खातून चाहिए तो तलवारें नीचे रख दो फौरन। हम नहीं, तुम तलवारें नीचे रखोगे। चलो अब तलवारें नीचे रखो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। खामोश रहो खातून। ये कदम भी आगे मत आना। चलो बेटा चलो, फेंक दो तलवार। एक खातून के लिए जान को खतरे में नहीं डालेंगे। तुम दुश्मन के सामने हथियार डाल रहे हो? तुम तो अपने पना गुजीन दुश्मनों की भी हिफाजत करते हो। क्या तुम थोड़ी देर खामोश रह सकती हो? ले आओ इसे। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। हमने कभी किसी मासूम को सालिम के रहमोकरम पे नहीं छोड़ा। मैं हूं उस्मान सरदार और मेरी बनाई गई रियासत के अंदर कोई जालिम नहीं होगा, जान लो। चलो अब आ जाओ। वालिदा! सादत! वालिदा! ये क्या है? मेहमत साहब रुक जाए, छोड़ो मुझे। मेहमत साहब, वालिदा, मेहमत साहब छोड़ो। बहुत हो गया साहब, बाबा की हालत देखी आप लोगों ने, बस करते संभाले खुद को। अलाउद्दीन तुम सिलते चाहे कुछ करो बाबा के लिए। चलो तो छोड़ो, जाए छोड़ दो मुझे। मेहमत साहब, बाबा क्या हो क्या है? गुंजा ये यहां नहीं रुकेगा, ये इस जगह नहीं रुकेगा। बाबा 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 होश में आ जाए बाबा, बाबा खुदा के लिए आके खोले बाबा, बाबा छोड़ो। अरे मेहमत साहब इनका सर ऊपर उठाओ, कुछ सुकून हो जाए। आए याकूब सरदार, चले होश में आ जाए। उठिए बाबा, बाबा खुदा के लिए, खुदा के लिए बाबा। जहां से मार दूंगा मैं। होश में आ जाए याकूब साहब। चलिए बाबा। शाबाश बाबा, आके खोलिए बाबा, होश में आ जाए बाबा। चलो आ जाओ, मार डालो। सिपाहियों, ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जनाब, हमने इन लोगों की तलवारों की आवाज सुनी जिन्होंने इस औरत को अगवा किया था, और हम यहां पहुंच गए। ये हमलावर मंगोल थे और ये खाइयों के भेष में थे।
बदबخت काफिर, इस सब की वजह क्या है आखिर जनाब? वो कौन सा खेल खेल रहे हैं? यानी शहर में सरदार याकूब पर हमला करने वाले भी यही लिबास पहने हुए थे। ये वाज़ह है कि वो काइयों और बनी गर्मियान को लड़वाना चाहते हैं, वो जंग चाहते हैं। बाबा, 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 खुदा के लिए आंखें खोलिए बाबा, बाबा। याकूब साहब। बाबा खुदा के लिए। याकूब साहब। होश में आ जाए बाबा, बाबा उठिए ना बाबा, बाबा आंखें खोलिए ना बाबा, बाबा आंखें खोलिए, बाबा आंखें खोलिए ना बाबा, बाबा। बाबा, मत साहब, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अलाउद्दीन, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की मेहमत? इसे अभी जिंदान ले जाओ। खामोश, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बाबा, बाबा आगे खोलिए ना, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन कुछ करो ना। बाबा आगे खोलिए बाबा, खुदा के लिए बाबा। ना तुम्हारे पास कोई महल हो कुछ नहीं हो और ना ही कोई समय। अब हमें छोड़ कर नहीं जा सकते बाबा, बाबा नहीं छोड़ के जा सकते आप हमें। बाबा उठिए ना बाबा, करके देख लिया बाबा, खुदा के। खामोश हो जाए साहब, मैं इनकी धड़कन नहीं सुन पा रहा हूँ। अलाउद्दीन, ज़बान हलक में दाखिल हो रही है। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा खुदा के लिए, खुदा के लिए बाबा, बाबा। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खुदा के लिए कुछ तो बताओ, क्या हो रहा है बाबा के साथ, बताओ मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफ़े। बाबा, बाबा, बाबा। या अल्लाह। बाबा। या शाफ़े। या अल्लाह। बाबा। या अल्लाह। या शाफ़े। बाबा। कोटलू खान मारा गया जनाब, इसके पीछे कौन है? ताजुद्दीन नौयान। आखिर ये खातून है कौन जनाब? बाइंदर साहब, ये अजनबी नहीं है। ताजुद्दीन नौयान यानी शहर पे हमला करने से पहले वो काई कबीले को कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर खत्म करना चाहता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम एलचन खातून? कैद में उनकी बातें सुन ली थी और इसी वजह से उन्होंने जंगजुओं का लिबास बदला हुआ है। जब मुझे होश आया तो मैं किसी का लिबास बदल कर फरार हो गई। अब मैं ये खेल समझ सकता हूँ। उस्मान सरदार, मैं अपने बाबा और भाभी को उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ूंगी, मेरी मदद कीजिए। और हाँ जनाब, एलचिम खातून के साथ इसके बाबा कद्दूस सरदार और इसके शहीद भाई की बेवा को लेने जाओ। जो आपका हुक्म जनाब। बोरान जनाब। हनूर, तुरहान, तुम लोग मेरे साथ चलोगे और बाकी सब सिपाही और हान के साथ जाएंगे। हम जैनिश शहर जाएंगे। अगर याकूब साहब को कुछ हो गया तो सूरत हाल और भी पेचीदा हो जाएगी, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। आ जाओ सिपाही। या अल्लाह। बाबा के कोई मेहमत, रुको साहब, पीछे आ जाओ। मेहमत भाई रुक जाए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा लौटी। पीछे हटो, तुमने मेरे बाबा की जान ली है। मेहमत रुक जाओ, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? संभालो खुदा, मेहमत जान से मार दूंगा। रुक जाओ, छोड़ूंगा नहीं। मेहमत रुको, बाबा, 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 बाबा होश आ, बाबा जिंदा है तुम्हारे, मेहमत, तुम्हारे बाबा जिंदा है, जिंदा है तुम्हारे बाबा, पीछे हटो, अलाउद्दीन साहब। इन्हें सांस आ रही है, अलाउद्दीन साहब। मेहमत सर उठो, उनका उठो, संभल के, संभल के, पीछे हटो, पीछे हटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या अल्लाह, इन्हें शिफा दे मेरे रब, इन्हें शिफा दे या अल्लाह।
बैठिए बाबा। इन्हें आस्ते आस्ते लिटा दें। आराम से, आराम से। कुछ तो बताओ अलाउद्दीन साहब, ये जिंदा रहेंगे? हाँ ये अब बेहतर है, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। अब सब यहां से तशरीफ ले जाएं। जैसा कि आपने देखा, अलाउद्दीन सरदार ने याकूब सरदार की जान बचाई। सादत खातून, मेहमत, पुरसकून हो जाइए अब। आपने मुझसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया। आखिर इस घर के अंदर रहना क्यों जरूरी है बताइए। मैं तो घर के अंदर हूँ। अगर शहजादे ने गुंजा खातून को अगवा कर लिया तो क्या होगा? मुझे जाकर बचाना होगा उन्हें। आजी। मेरी बात सुनो, क्या इससे पहले कभी मैंने मारा है तुम्हें? अगर तुमने बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हारी टांगे इस छत से बांध दूंगी, समझे? चलो इधर आओ, बैठो यहाँ। अब हिलना नहीं यहाँ से, एक लफ्ज भी मत बोलना। जेर को ताय, आप ठीक तो है ना? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। देखो मुझे। बाबा, आपके साथ ये किसने किया? मेरे साथ कोई कुछ कर सकता है क्या? बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मुझे बस नाम बताइए, मैं उसे सजा दूंगा। मेरे बाबा को कोई छू भी नहीं सकता। वाह माशाल्लाह मेरे बेटे, तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाबा कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो बस मामूली सी चोटें हैं। गाजी, याद है मैंने तुम्हें एक आम काम के बारे में बताया था? अब उसका वक्त आ गया है, क्योंकि मैं अब जा रहा हूं। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। आप अभी तो आए हैं, फिर से कहां जा रहे हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। मेरे बेटे गाजी, तुम एक बहादुर बच्चे हो। वतन की खातिर, फर्ज की खातिर कुछ वक्त के लिए अलग रहेंगे, और उस आम काम को सर अंजाम देंगे, लेकिन उसके बारे में किसी को पता न चले। ये राज अब सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। याद रखो, ये काम तुम्हारा पहला इम्तिहान है। अपना सर ऊपर उठाओ और अब मेरी बात गौर से सुनो बेटा। इस आम काम के बारे में सिर्फ मैं, तुम्हारी वालिदा और उस्मान सरदार जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। उस्मान सरदार? क्या ये फरीजा मुझे उस्मान सरदार ने सौंपा है? हाँ। ये पहला फरीजा बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए बाबा, लेकिन अपने वतन के खातिर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। चेर कोता है, क्या फिर कोई नया इम्तिहान है? मैं जानता हूँ दूर रहना मुश्किल है, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, जैसे ही फर्ज पूरा हो जाएगा हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। वादा? वादा? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे बाबा का और तुम्हारे जर कोताई का वादा है। कहाँ है वो काफिर जिसने मेरे बाबा पर हमला किया? भाई रुक जाए, मेहमत सरदार रुक जाए। मेहमत,
रुको। सुनो वो तुमसे क्या कह रहे हैं। अपने बाबा की सुनो। सब बाहर जाएं यहां से। याकूब साहब से अकेले में बात करनी है मुझे। सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से मैं जिंदा हूं, इसके बाद आपके बेटे अलाउद्दीन की बदौलत उस्मान सरदार। शुक्रिया। बताएं मुझे कौन मारना चाहता था। ताजुद्दीन नौयान। ताजुद्दीन नौयान, ये इसने क्या किया? अजीम उल जायतों के भतीजे को मुझे मारकर क्या हासिल करेगा? याकूब सरदार, वो जानते हैं कि आपने बेटी को जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया। वो आपकी कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ है। बताइए जरा, अगर आपकी जान चली जाती तो इस सब का जिम्मेदार कौन होता? इस तरह तो मैं और आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। हमारे सरदारान भी ऐसा ही करेंगे। तुर्क तुर्क का खून बहाए वो ये चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कैसा नहीं होने दिया हमने, कामयाब नहीं हो सके वो इसमें। अल्लाह का शुक्र, शुक्र अल्लाह का। ये मकाम सोचने का है। हम तारीख में क्या लिखेंगे जरा सोचिए। याकूब सरदार, हार गया हूं मैं। आप मुझे इस कदर रोक चुके हो। आप सही कह रहे हैं उस्मान सरदार, सही कह रहे हैं। खास तौर पर जब मैंने सुना कि मेरे बीवी और बच्चों ने ये किया, मुझे इल्म नहीं था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए। आपने मुझसे कहा था जो खानदान का ख्याल नहीं रख पाता है वो अपने पैरोकारों का ख्याल कैसे रखेगा? हमने जो कहा और किया हम इसका अजाला जरूर करेंगे उस्मान सरदार, इंशाल्लाह। मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए, फिर हम साथ मिलकर इस रास्ते पर चलेंगे। आप हंस क्यों रहे हैं उस्मान सरदार? ये बताइए, वक्त आने पर क्या हमारे लिए जान कुर्बान कर सकेंगे? क्या वक्त आने पर अपने सिपाहियों को शहादत के लिए रवाना कर सकेंगे? जब हम अपनी ताकत को बढ़ाने की बात करेंगे तो आप शाना बशाना खड़े होंगे हमारे साथ। बताइए ना। इसी की तवक्को थी मुझे। वैसे कुछ ऐसा ही सोचा था मैंने। याकूब सरदार, हम नहीं चल सकते इकट्ठे कभी। याकूब साहब, ना हमारे आगे
और ना हमारे पीछे। बेहतर है कि हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लें। होलोफेरा, अपनी हालत तो देखो जरा। जिस शख्स के लिए आंसू बहा रही हो वो हमारा दुश्मन है। ओरहान और उसके खानदान का वाहिद मकसद हमें खत्म करना है। क्या हो गया है तुम्हें? बंद करो रोना। होलोफेरा, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ, उसके झूठ से अब तुम बेवकूफ नहीं बनोगी। और हाँ, और हान का नाम तुम्हारे मुंह से अब नहीं निकलना चाहिए। सुना तुमने? सुन रही हो मेरी बात या नहीं? सिपाही, तकफूरों तक खबर पहुंचाओ। गोरखलोहान की मौत ने सब तबाह कर दिया। मुत्तहिद होकर कुछ और सोचना होगा। तकफूरों को मेरे महल में आने का हुक्म दो। हर पहाड़ी पर एक सिपाही पहरा दे रहा है और वो लोग बहुत माहिर हैं। उन्होंने पूरी वादी को नजरबंद कर दिया है। किसी भी हमले के वक्त वो एक दूसरे को सुर्ख तीरों के जरिए पैगाम भेजते हैं, तो इसलिए छुपना बहुत मुश्किल होगा। काफिर हर जगह जाल बिछाए हुए हैं। शहजादे, वो लोग काफी मजबूत हैं। ये तो है, मजबूत हैं वो। हम सबसे पहले पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाजों को मारेंगे। हम तादाद में कम हैं। अगर वो लोग ये बात जानते हैं तो हम नाकाम हो जाएंगे। और हान साहब ठीक कह रहे हैं, सुर्ख तीर गिरने से पहले हम मैदान में गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? शहजादे, आने दीजिए उन्हें, हम उन पर पीछे से वार करेंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, अलचिम खातून के अहले खाना को बचाना है। छुपकर वार नहीं किया जा सकता उन पर, सामने से करेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा किया तो वो आपके खानदान को मार डालेंगे। हाय कुर्द। जी शहजादे। कबीले के सरदार से कहो वो हमें अपने 10 इंतहाई हुनरमंद सिपाही दें। हमारे लिए 10 सिपाही काफी रहेंगे। ओरहान साहब, आपके जहन में क्या चल रहा है? उनका सामना कैसे करेंगे हम? हमारी सबसे ताकतवर तलवार के जरिए। तुलू आफ्ताब के वक्त रवाना होंगे। चलिए, जो हुक्म शहजादे। रुक जाए बाबा, मैं मदद करती हूं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। याकूब साहब, आपने ऐसा क्यों किया? चलो ये मान लिया कि
کا تجربہ نہیں اور وہ غصے کا بھی تیز ہے. اس نے غلطی کر دی. لیکن آپ نے, آپ ہوتی کون ہے میری بیٹی کو جاسوس بنانے والی؟ ماں ہوں اس کی میں, اور آپ کی بیوی ہوں یعقوب صاحب. میں نے ہم سب کی مستقبل کا سوچ کر کیا تم میری بیٹی کا فائدہ اٹھا رہی ہو یعقوب صاحب؟ ایک اور لفظ مت کہنا. تم نے میرا سر جھکا دیا سعادت, اور اب تم خواتین سے جا کر معافی مانگو گی. کیا؟ آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہوگا مجھ سے. اگر تم چاہتی ہو کہ میں ان ساری باتوں پر تمہیں معاف کر دوں, تو جو تم نے پہلے کیا پہلے اس کی معافی مانگو. ध्यान से बाबा. और तुमने मेरे और अपने साथ ऐसा कैसे किया? क्या तुमने बिल्कुल नहीं सोचा? मेरे पास और कोई चारा नहीं था बाबा. والدہ نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا تھا. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے, اور آج تمہاری والدہ سے میرا بھروسہ ختم ہو گیا. میرا دل جل رہا ہے. اس درد کے سامنے مجھے تیر کا درد محسوس نہیں ہو رہا. یہ آگ آپ نے شروع کی ہے بابا, اور اب آپ والدہ کو الزام دے رہے ہیں. کائیوں کے پیچھے پہلے والدہ کو آپ نے بھیجا. جتنا میری والدہ اور بھائی قصوروار ہیں, آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں بابا. تکفور ہمارے ہتھے چڑھ چکے ہیں. سرداران کو بلاؤ جلدی سے. جو آپ کا حکم جناب. بالا خاتون, سعادت خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے, کیا اندر بھیج دوں؟ آمین. آنے دو قسمت.
कहिए सादत खातून। क्या कहना है? याकूब साहब शुक्र है खुदा का सेहत याब हो गए। खुदा का शुक्र है। आपका भी शुक्रिया और अलाउद्दीन साहब का भी शुक्रिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। हमें जो करना था वो किया सादत खातून। हर कोई वही करता है जो उसे जेब देता है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी कैफियत समझेंगी बाला। जब मैंने अपने शोहर को बिस्तरी मर्ग पर देखा तो मैं अपने हवास खो बैठी। उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा तो ऐसा है तो क्या अब आप ठीक हैं सादत खातून? क्या कोई अपनी बेटी से क्या ऐसा काम करवा सकता है? किस किस्म की माँ है आखिर? मेरी नीयत खराब नहीं थी। आप गलत समझ रही हैं। मोहब्बत में जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता बाला। मेरे जिम्मेदारी सौंपने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आपने हमारे बच्चों की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। जो कुछ हो चुका है उसका बदलना मुमकिन नहीं। मैंने जो गुनाह किया है उसकी सजा मुझे मिलेगी और आप मुझे इस सब के लिए माफ कर दें। मैं यूं हाथ नहीं मिलाती सादत। अगर मैंने सच्चे दिल से आपको पश्चिमान देखा जरूर हाथ मिलाऊंगी। आइंदा कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। तुम कभी नहीं बदलोगी सादत। तुम इक्तदार के लालच में अंधी हो चुकी हो। अल्लाह मदद करे। जासूसों की तरफ से कुछ मालूमात हासिल हुई है। ओलिविया खातून ने तकफूरों को तरानूस में मदद किया है। हमने गोरकलू हान से जान छुड़ा ली और अब ये फिर से कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जरूर कोई मनसूबाबंदी कर रहे होंगे सरदार। ऐसा ही है। याकूब साहब जख्मी हुए, गोरकलू हान मारा गया। अब ऐसा है कि वो हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे मगर हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम क्या करेंगे सरदार? वो जो चाहते हैं वैसा ही करेंगे। कोनूर, सिपाहियों को तैयार रखो। तकफूरों के जमा होते ही अतरानूस को घेर लिया जाएगा। जो आपका हुक्म। और हम उसे किताई की तरफ लेकर जाएंगे। क्या आपने वही किया जो बाबा ने कहा था? याकूब, याकूब, अगर आप ना होते याकूब तो मैं इस महल को तबाह करके रख देती। क्या हुआ है? तुम्हारे बाबा ने मुझे शर्मिंदा करके रखवा दिया। बेहद शर्मिंदा। उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया बल्कि मेरे लिए माफी को भीख बना दिया। महमद, गलती कर रहे हैं बाबा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत बड़ी। क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई तो क्या उन्हें माफ कर दें? हाँ, इजाजत दीजिए मुझे। इजाजत दीजिए वालिदा। जला के रख दूंगा इस महल। हम इसे जलाएंगे नहीं मेहमत। हम इसे खोखला कर देंगे। इतना खोखला कर देंगे कि ये महल खुद ही उनके सर पे गिर जाएगा। उन्होंने तुम्हारे पापा, बहन और हमारे खानदान को सबके सामने बेनकाब किया है। हिसाब देना होगा उन्हें इसका। पीछे नहीं हटेंगे हम मेहमत। जैसे आपकी मर्जी वालिदा। वो आज तक हमारे रकीब बन के रहे हैं
लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद अब वो हमारे दुश्मन बन गए हैं मेहमत। मैं आज तक उन लोगों के दिल को जलाना चाहती थी, लेकिन आज के बाद से हम उनके दिलों को खो देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ, मगर अपने पापा के सामने कुछ ना करना और ना ही उनसे झगड़ा करना। हम ये सब खामोशी से करेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं वालिदा, हम ऐसा ही करेंगे। रुक जाएं। रुके, कहां जा रही हैं? कहां जा रही हैं आप? इधर आओ। कहाँ? मेरे पास। जाते देखा, मैं उसे पुकार रही थी, मैंने उसका चेहरा वाजे नहीं देखा। चेहरा नहीं देखा तुमने? हाँ, लेकिन वो बिल्कुल मेरी तरह थी उस्मान। क्या? वो औरत मैं थी उस्मान। तो वो मैं थी। मैंने खुद को एहराम पहने हुए देखा था। मलहून, बात सुनो। इस वक्त जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जानता हूं मैं। उस्मान, वो रास्ता हज की तरफ जा रहा था, मगर जागने से पहले ही वो लोग हमेशा की तरह घोड़ों पर सवार होकर हमला करने चल पड़े। मैंने तीर चलाने के लिए जैसे ही कमान थामी तो वो टूट गई। शायद ये कोई इशारा है उस्मान। अब जाने में खैर है या ठहरने में, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। तुम जैसा के जानती हो, ये हर चीज बिखरी हुई है, न जाने कितनी रुकावटें हैं। जिधर देखो, यानी शहर
यहां के लोग सब उलझा हुआ है। तुम्हारा साथ ही मुझे कुव्वत देता है, तुम जानती हो ना? बेशक तुम जानती हो, मगर ख्वाब जो देख रही हो ये नए कमल है। अब तुमने जाना है या फिर नहीं जाना? उसका फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम जो भी फैसला करोगी वो मुझे कबूल होगा। मैं साथ हूं तुम्हारे। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे। एलचिम खातून, वो ताजुद्दीन नोयान तुम पर कैसे मुसल्लत हुआ? मंगोल जंगजुओं के लिए उसने बाबा से सिपाहियों की दरख्वास्त की, मगर बाबा ने मना कर दिया। जब बाबा को पता चला कि ताजुद्दीन हमारे लिए मुसीबत का बायस बनेगा, तो हम वहां से हिजरत कर गए। मगर ताजुद्दीन नोयान एक बहुत ही घटिया और निहायत ही शातिर इंसान है। उसने हमारा पीछा किया और अपना बदला लिया क्योंकि हमने उसकी मुखालफत की थी। उसने मेरी वालिदा और भाई को भी शहीद कर दिया और हमें कैदी बना लिया। एलचिम खातून, ताजुद्दीन नोयान के मुताल्लिक कोई अहम खबर है तुम्हारे पास? अगर कुछ है तो बता सकती हो। उस्मान सरदार को उसके कातिलों को बताया था। उनमें एक औरत है जो सबसे ज्यादा जालिम है, उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं। वो हसन सबा की तालिबात में से है और मुमकिन है कि याकूब सरदार के हमले के पीछे उसी का हाथ हो। एलचिम खातून, क्या वो औरत हमें कहीं मिल सकती है? ना उसे किसी ने देखा है और ना ही किसी ने उसकी आवाज सुनी। सुना है वो साये की तरह पीछा करती है और अपना काम करके गायब हो जाती है। साये की तरह? हाँ, हम इस साये को अपनी रोशनी से घटाना जानते हैं। हम उन सबको अपनी जमीनों से उखाड़ के फेंक देंगे, सबको। बुरहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। मेरे बाबा और मेरी भाभी की खातिर खुद को खतरे में डाल रहे हैं आप, मगर आप ये भी जान लें कि हम अपने साथ भलाई करने वालों को भी नहीं भूलते और दुश्मनी करने वालों को भी। हम उन्हें बेहतरीन बदला देते हैं। शुक्रिया अलजम खातून, आप मुतमईन रहे। आज हम आपका बदला लेंगे और आपके वालिद और भाभी को भी बचा लेंगे इंशाल्लाह। चलिए। चलो,
अलाउद्दीन। हाँ, अब क्या करने आई हो? क्या कहा तुमने? तुम नजर आते हो तो दिल कांप जाता है। दिल के हाथों अकल खो बैठी हूं अलाउद्दीन। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, मजबूर किया गया। किसने मजबूर किया? जो बात करने आई हो वही बात करते हैं। बताओ क्या बात है? तुमने क्या सोचा था मैं अलाउद्दीन का मजाक उड़ा लूंगी? देखो गोंजा, जब से मुझे उस बारे में मालूम हुआ है सिर्फ उसे ही सोचता रहता हूं कि आखिर हकीकत क्या है और क्या झूठ है। चलो बताओ मुझे, तुम्हारी मोहब्बत झूठ थी ना? और खुद को मेरी खातिर खतरे में डाला वो भी धोखा था। अगर ये सब तुम्हारी कोई चाल थी तो तुम मेरी आंखों में ऐसे कैसे देख सकती हो? नहीं अलाउद्दीन, मेरी मोहब्बत कोई चाल नहीं थी अलाउद्दीन। चाहे तुम्हें जैसा भी लगे या जो भी सोचो मेरे बारे में, मगर मुझे मेरी वालिदा की तरह मत समझो। गुजारिश है मेरी, मेरी हकीकत सिर्फ और सिर्फ तुमसे है। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत। अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो दीवारें जो मैंने तुम्हारी खातिर गिरा दी थी, तुमने वो दोबारा खड़ी कर दी हैं। गोंजा खातून, मेरा दिल खामोश हो चुका है। सब खत्म। अलाउद्दीन, बात को अधूरा मत छोड़ो इस तरह से। मेरी बात तो सुन लो पहले, फिर जहां चाहो चले जाना। अपनी वालिदा की बात मानकर तुमने मेरी जासूसी की गोंजा। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने अलाउद्दीन, ऐसा नहीं किया मैंने। सिर्फ एक बार, कसम से सिर्फ एक बार ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी मैं। जब जब मुझे इस काम के लिए मजबूर किया गया, मुझे सिर्फ तुम नजर आए और कुछ अहम नहीं था। सिर्फ तुम और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए अहम थी। झूठ पे झूठ, झूठ बंद करो ये झूठ बोलना। मुझे अब जाना होगा। मेरी जासूसी करना मकसद था ना, मैंने बेइंतहा मोहब्बत की तुमसे, दिलो जान से हर जगह हिमायत की तुम्हारी, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अब सारी जिंदगी तुम्हें पछताना होगा गोंजा खातून। ऐसा मत कहो अलाउद्दीन, खुदा के लिए। तुमने कहा था कि हम हर मुश्किल पर मिलकर काबू पा लेंगे। मैंने तुम पर भरोसा और यकीन किया। जानते हैं आप, मुझे भी शुरू में डर लगता था। हाँ, मगर यकीन था कि हम तमाम मुश्किलों से निमट लेंगे और तुम मेरी मजबूरी समझोगे। क्या हुआ फिर? हाँ क्या हुआ? हाँ, पहली ही रुकावट पे तुमने साथ छोड़ दिया। मैं तो साथ मिलकर रुकावटों को दूर करना चाहता था, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं दिया मैंने। तुमने मुझे धोखा दिया गोंजा। नहीं दिया मैंने, नहीं दिया। मुझे एक जरूरी काम है, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है।
कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा। वैसी लोग हैं सारे यहाँ। शहजादी मारिया, वो सब कुछ इत्तेहाद की खातिर था ना मेरे उस्मान। उस वक्त हम शहजादी मारिया को किसी के हवाले नहीं कर सकते थे। इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा वाला। मगर कुछ छुपा रही है शहजादी, तुम्हें वो मालूम करना होगा। आपको भूख लगी होगी, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। किस्मत खातून, आप कुछ अरसे से हमारी मेहमान हैं, मगर तारुफ नहीं हुआ। मैं उस्मान साहब की खातून हूँ, बाला खातून। मेहमान हूँ मैं? क्या आप लोग मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक करते हैं? कितने दिनों से यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है मुझे। ये सब कुछ हम आपके फायदे ही के लिए कर रहे हैं शहजादी। हमारी वजह से आप गुरगुल हान से शादी से बच गई। मेरे फायदे के लिए हर चीज बर्बाद कर दी आप लोगों ने। मेरे सारे मंसूबे रायगां चले गए। गोरकुलोहान से शादी करने जा रही थी मैं। आप हमें वैशी कहती हैं, असल वैशी तो गोरकुलोहान था। मुझे ये मत कहना कि आप उस आदमी से अपनी मर्जी से शादी कर रही थी। मैं यकीन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अजीम बाजंतीन की खातिर ये शादी करने पर रजामंद हुई थी। ये आप नहीं समझेंगे। अजीम बाजंतीन? हाँ, वो अजीम बाजंतीन जो आपको नजरअंदाज करती है और एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान की तरह भेजती है। कुछ कहना है मुझे, मेरी बात सुने। गोरकुलोहान मर चुका है। अब ऐसा है कि आपकी शादी वो ताजुद्दीन नौयान से करवाएंगे। ताजुद्दीन नौयान से? और वो भी आपकी रजामंदी के बगैर? कैसे उस शख्स से आपकी शादी करवा सकती हैं? क्या आपको इस बात पर एतराज नहीं है? लेकिन मैंने तो इस चीज की इजाजत नहीं दी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है शहजादी। अगर कोई मसला है तो बताएं मुझे। मुझ पर भरोसा रखें। बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जनाब, तैकफुर आ रहे हैं। आ जाओ। तैकफुर की हिफाजत करो।
टेकफोर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। किस लिए? तुम्हें एक हिसाब चुकाना है। सिपाहियों, हमला! चलाओ! टेकफोर लियो की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं आई। हमें मालूम हुआ था कि वो अतरनुस के रास्ते पर रवाना हुए हैं। कहो क्या हुआ? टेकफोर, वो उस्मान का कमांडर कोनूर, उसने अपने सिपाहियों के साथ अतरनुस का मुहासरा कर लिया है। सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दो, दरवाजों को मजबूत करो और तीरंदाजों को तैनात कर दो। जल्दी जाओ।